चलिए, वेरी गुड इवनिंग, कैसे आप लोग हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, अनएकेडमी के विषय में हम लोग थोड़ा बात करते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनएकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आज के प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे लाखों के तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और तथा योग्य तथा अनुभवी टीचर यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि अनएकेडमी जैसी अभी कोई संस्था ना बनी है, ना ही तो हो सकता है, क्योंकि ये सुबह से शाम तक लेकर के पूरी लाइव क्लासेस चलती है, जहाँ पर लोग इसका लाभ बहुत बड़े मात्रा में उठाते हैं। तो आइए हम लोग इसकी विशेषता के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि अनएकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आप प्ले स्टोर से जा करके आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं और अनएकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए, मेरे विषय में आप जानिए, मेरा नाम श्रवण कुमार है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, एक्स इंटरव्यू और यूपीएससी और डायनिंग के प्रो साथ में पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है, @ है, अनएकेडमी श्रवण कुमार, ये सारे कैपिटल लेटर में है, ये सारे कैपिटल लेटर में है। तो आप जुड़ करके यहाँ से PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, या जितने भी मेरे नोटिफिकेशन लेक्चर के जाएंगे वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अनएकेडमी की विशेषता के विषय में हम लोग अगर बात करें, तो इसकी विशेषता के विषय में यदि हम बात करें, तो जैसे डेली लाइव क्लासेस होता है, इस लाइव क्लासेस में मतलब सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक जो कि डेली लाइव क्लासेस चलती है, आप किसी भी एजुकेटर के साथ में लाइव जुड़ करके अपने डाउट या डिस्कशन, आप चैट बोर्ड खुला होता है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से लाइव टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं, जिसमें मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट के दौरान एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज होती है। तो ये भी विशेषता अनएकेडमी की है। स्ट्रक्चर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, अर्थात आप किसी भी सब्जेक्ट में पीयर होते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है, सिलेबस का फॉर्मेट होता है, जिस सिलेबस पे आपको उस दायरे में रह करके पढ़ाई कराई जाती है। अनलिमिटेड एक्सेस में क्या होता है कि यदि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो आप कभी भी किसी भी समय आप देख सकते हैं। चलिए, टॉप प्लस 100 एजुकेटर की बात हम लोग करते हैं। इसमें देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मुन्नार सर भी हैं, रोमन सैनी सर भी हैं और लोग भी सर भी यहाँ प्रेजेंट हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, इनसे एक बार पढ़ने का आपको मौका जरूर मिलेगा। तो ये अनएकेडमी के टॉप एजुकेटर के रूप में आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, इसके सब्सक्रिप्शन फीस पे बात करते हैं। देखो, मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक प्लस होगा, एक आइकोनिक वाला होगा। तो प्लस वाले पर तो मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, फिर भी मैं बता देता हूँ इसकी फीस क्या है। 12 महीने की जो फीस है, इसकी टोटल है 44,000 रुपये, और मेरा रेफर कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये हो जाएगा 39,600 रुपये फीस। वहीं जो कि 24 महीने मतलब 2 साल की जो फीस है वो है 64,000 रुपये। यदि मेरा रेफर कोड यूज करते हैं SK@12, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसकी हो जाएगी फीस 57,600 रुपये। और वहीं पे मैं आइकोनिक वाले पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि आइकोनिक वाले में लेने पर आपको टीम का सपोर्ट अधिक मिलता है, और किसी भी एजुकेटर के साथ में जिसका आप चयन करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको टोटल गाइडलाइन यहाँ से प्राप्त होगी। तो जब भी आप एक लंबे दौर के समय में तैयारी करते हैं, तो आपके पास एक टीम या एजुकेटर का होना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि उस एजुकेटर थ्रू आप बेहतर तरीके से गाइडलाइन पा सकें और अपने सफलता को आप प्राप्त कर सकें। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि आप अगर अनएकेडमी को कोर्स को परचेज करते हो, तो आप टीम का सपोर्ट लीजिए इसके लिए, एजुकेटर का सपोर्ट लीजिए इसके लिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को आपको लेना बहुत अनिवार्य होगा। जैसे 12 महीने का जो कोर्स है, इसकी टोटल फीस 64,000 रुपये है, लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं बच्चे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 57,600 रुपये इसकी फीस होगी। वहीं 24 महीने का जो कोर्स है, इसकी 99,000 फीस है, यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो 89,100 रुपीज़ इसकी टोटल फीस होगी। तो आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आर्थिक सुधार के बारे में। जैसा कि पिछली बार हमने जो इकोनॉमी का टॉपिक लिया था, उसमें हमने उदारीकरण बता दिया था। आज हम वैश्वीकरण की बात करेंगे, निजीकरण की बात करेंगे, आर्थिक सुधारों में क्या क्या सुधार किए गए हैं, उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी टॉपिक होंगी उस सारे चीज को आज हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान से समझते चलिएगा, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आने वाले समय के लिए
जो नए नए रिफॉर्म्स किए गए हैं, इसका बेस तैयार होगा यहाँ पे। अगर आप बेस जानते रहेंगे तो आप यहाँ से बेस के साथ इंटरलिंक करके आप लिख लेंगे। लेकिन अब आपको बेस ही नहीं पता होगा तो आपको थोड़ी समस्या हो सकती है लिखने में, क्योंकि एक नए नए परिवर्तन का दौर है। कभी आर्थिक सुधार में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, कभी अवसंरचना का विकास में कोई परिवर्तन होता रहता है, कभी औद्योगिकरण को लेकर के कोई चेंजेज होते रहते हैं। तो इसलिए आपको आधार जानना, बेस जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं, पहले इसमें हम लोग क्या क्या समझेंगे, पहले लिख लेते हैं आर्थिक सुधार में। आर्थिक सुधार में हम लोग देखेंगे निजीकरण, इसके बाद हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण, फिर आर्थिक सुधार से संबंधित सारे यहां लिख देते हैं, आर्थिक सुधार से संबंधित अन्य बातें। तो ये पूरा का पूरा हम लोग आज कवर करेंगे। तो पिछली क्लास में जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखा है उसमें उदारीकरण मैंने बता चुका हूँ। अब जो है कि हम निजीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार संबंधित अन्य बातों को जैसे अवसंरचना, औद्योगिकरण, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए, हमारा टॉपिक आज है निजीकरण। ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ते चलिएगा आप लोग। निजीकरण, अब निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, मैं लिख देता हूं छोटे बड़े में हो गया, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा निजीकरण। देखिए, अगर निजीकरण है क्या, पहले इस बात को हम लोगों को समझना है लिख करके, आखिर निजीकरण है क्या। एक अगर सिंपल सी भाषा में आप समझो तो जो सार्वजनिक उपक्रम है, अर्थात जो सरकार का उपक्रम है, जो सरकार की कंपनियां हैं, सरकार के उद्योग हैं, उसको किसी प्राइवेट के हाथों में सौंप देना, अर्थात उसी को हम लोग बोलते हैं निजीकरण। बात समझिएगा जरा ध्यान से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि हमारे यहाँ नई औद्योगिक नीति जब आई तो किस प्रकार से इसका व्यवहार किया गया, इसको लेकर के किस प्रकार की चर्चाएं की गई और किस प्रकार की बात की गई, तो उसी में एक पहलू आता है निजीकरण। तो निजीकरण का मतलब क्या होता है, लिखते चलिएगा सभी लोग। निजीकरण का आशय सभी प्रकार के वाणिज्यिक लिखिएगा, वाणिज्यिक गतिविधियों से है। किससे है, वाणिज्यिक गतिविधियों से है। ठीक है, जहां लिखते चलेगा ध्यान से, जहां सार्वजनिक उपक्रमों को वापस लेते हुए इसके पहला प्रबंधन स्वामित्व को निजी क्षेत्र को सौंपना निजीकरण कहलाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो निजीकरण का जो आशय है, सभी प्रकार के वाणिज्यिक गतिविधियों से जहां पे सार्वजनिक उपक्रमों को वापस लेते हुए, अर्थात सरकार वापस लेते हुए इसके प्रबंधन और इसके स्वामित्व मतलब जानते हो अधिकार, जिसको बोलते हैं अधिकार, राइट्स, प्रबंधन, मैनेजमेंट को किसको सौंप देना, निजी क्षेत्रों के हाथों सौंप देना, यही कहलाता है निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सरकार इसका क्रियान्वयन, ध्यान से समझते जब नोट बनाते चलेगा। सरकार इसका
क्रियान्वयन, विनिवेश जिसको हम लोग बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट, नंबर टू अनारक्षण जिसको कहा जाता है डी रिजर्वेशन, नंबर थ्री प्रतिराष्ट्रीकरण, जिसको कहा जाता है डी नेशनलाइजेशन द्वारा करती है। इतनी बात समझ में आ गई? सरकार क्या करती है, निजी क्षेत्रों को जो सौंपती है, निजी क्षेत्रों को जो सौंपती है अपना पूरा प्रबंधन और स्वामित्व को, तो सरकार क्या करती है, विनिवेश कर सकती है, अनारक्षण कर सकती है, प्रतिराष्ट्रीकरण कर सकती है, ठीक है। इसके द्वारा ही क्या करती है, वो निजी क्षेत्रों को उसके पूरा प्रबंधन और स्वामित्व को सौंप देती है। क्लियर? आगे चलते हम लोग हैं आर्थिक सुधारों में। आर्थिक सुधारों से पूर्व लिखिएगा, पूर्व सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन सावधि बहुत सी समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। इसको सर्वाधिक भी लिख सकते हैं, सर्वाधिक बहुत सी समस्या उत्पन्न हो गई, सर्वाधिक बहुत सी समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे समस्या कौन कौन सी थी आर्थिक सुधारों के दौरान, समस्या क्या थी, समस्या क्या थी, जैसे आपने देखा होगा उत्पादकता में अपर्याप्त वृद्धि, नंबर दूसरा घटिया प्रोजेक्ट प्रबंधन, ये आर्थिक सुधारों से पहले ऐसी स्थिति थी। स्टाफ का अनावश्यक या आवश्यक आवश्यकता से अधिक, लिख लो अधिक होना। इसके बाद तकनीक उन्नयन की कमी, और फोर्थ आप लिख सकते हैं नौकरशाही भ्रष्टाचार श्रमिक समस्या इत्यादि व्याप्त थी। इन्हीं सारे समस्याओं को देखते हुए सरकार ने निजीकरण का एक कदम उठाया, ठीक है। चलिए आगे लिख लेते हैं, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन वाणिज्यिक गतिविधियों से बाहर निकलना उचित समझा, जिसमें
सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं थी। आई होप कि आप इतनी टॉपिक को समझ गए होंगे। मतलब जो समस्या पहले भारत में व्याप्त थी, उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, जहां पर उसको महसूस हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अब नहीं है, तो उन्होंने निजीकरण पर बल दिया, अर्थात वाणिज्यिक गतिविधियों को इंटर कराने का, प्रवेश कराने का प्रयास किया। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि बोलो हाँ सर, समझ में आ चुका है। फिर हम लोग हम आगे बढ़ते हैं तथा तथा निजी क्षेत्र पर्याप्त रूप से कुशल है, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के लिए कुछ अन्य प्रावधान भी किए ताकि वो प्रतिस्पर्धी बन सके। इसके निम्नलिखित प्रावधान है, ठीक है। एक तरफ तो सरकार क्या कर रही है, निजीकरण, और दूसरी तरफ जो सार्वजनिक देश में उपक्रम है उसमें भी कुछ प्रावधान किए ताकि दोनों स्थिति पे क्या हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा बनी रह सकती है। अगर सरकार सिर्फ निजीकरण कर दे और सार्वजनिक उपक्रमों को बिल्कुल समाप्त कर दे तो प्रतिस्पर्धा ऐसे कंडीशन में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सरकार बैलेंस करने के लिए क्या किया कि निजी के साथ साथ निजीकरण के साथ साथ अपने जो कि सार्वजनिक उपक्रम थे उनको भी उसमें नए नए प्रावधान लाए ताकि दोनों में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी मार्केट में सिर्फ निजीकरण ही दिखने लग जाए तो कहीं न कहीं मार्केट पर मोनोपोली जैसी व्यवस्था स्थापित हो जाती है। ऐसे केस को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया कि जिन सेक्टर को उनको लगा सरकार को कि इसका निजीकरण हो जाना चाहिए उसको निजीकरण करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जिन सेक्टर को लगा कि नहीं अभी भी सार्वजनिक उपक्रम का बनना बहुत आवश्यक है तो उन्होंने उसमें निम्न प्रावधान या सुधार की आवश्यकता को देखते हुए सुधार करने का प्रयास किया। चलिए क्या क्या था इसमें, पहला सार्वजनिक उपक्रमों को बहुत अधिक प्रबंधी स्वायत्तता दी गई। नंबर दूसरा, सार्वजनिक उद्योगों को ऐसे लिखेगा उद्योगों को प्राप्त होने वाले बजटीय समर्थन क्रमिक रूप से घटाए जाएंगे। और तीसरी बात यह थी, सार्वजनिक उद्योगों में बाजार संतुलन लाने के लिए
निजी क्षेत्र से स्पर्धा को बढ़ावा दिया जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग यहां पे बढ़ावा दिया जाएगा तथा कुछ उद्यमों में पूंजी निवेश किया जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को इतनी समझ में आ गई। तो सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को भी ध्यान में रखा और साथ साथ निजीकरण करने का भी इन्होंने फैसला किया था, ठीक है। और पांचवें नंबर पर लिख लो, पांचवें नंबर पर ऐसे उद्योगों को, ऐसे उद्योगों को पुनः स्थापना किया जाएगा जो पूर्ण रूप से पिछड़े हैं या ऐसे लिखेगा इसको बीमार, क्लियर। सिक्स नंबर पॉइंट पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया कायम की जाएगी ताकि विस्थापित श्रमिक या श्रमिकों को राहत पहुंचाई जा सके। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सेवन पॉइंट में एक पॉइंट लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि संसाधन गतिमान करने के लिए करने एवं ऐसे लिखेगा सार्वजनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हिस्सा पूंजी के एक भाग को पारस्परिक निधियों जिसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं, निधियों वित्तीय संस्थाओं सामान्य जनता को बेचा जाएगा, क्लियर। सेवन नंबर पॉइंट में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बोर्डों को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा, ठीक है, या व्यवस्थित न करके व्यवसायिक लिख दीजिएगा, व्यवसायिक बनाया जाएगा तथा उन्हें और अधिक अधिकार दिए जाएंगे, क्लियर। तो सार्वजनिक क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए भी और उसमें कुछ
नया रिफॉर्म्स करने के लिए भी सरकार ने इस प्रकार से कुछ प्रावधान भी किए थे। आगे हम लोग चलते हैं, कालांतर में सरकार ने इस आशय के लिए पहला मिनी रत्न, दूसरा नवरत्न, तीसरा महारत्न जैसी कंपनियों जैसी अवधारणा को लागू किया, जिनका उद्देश्य क्या था? प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और निवेश निर्णय में स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक है, ये तो हमारी बात रही निजीकरण की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल समझ समझ में में आ आ गया गया होगा होगा आप आप लोगों लोगों को। को। तो तो ये ये हमारा हमारा निजीकरण निजीकरण के के पीछे पीछे ये ये रीजन रीजन थे। थे। तो तो आइए आइए हम हम लोग लोग अब अब बात बात करते करते हैं हैं वैश्वीकरण वैश्वीकरण की। की। किसकी किसकी बात बात करते करते हैं हैं हम हम लोग लोग हैं हैं वैश्वीकरण वैश्वीकरण के। के। तो तो सेकेंड सेकेंड टॉपिक टॉपिक हमारा हमारा है है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण, जिसको जिसको ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बोलते बोलते हैं। हैं। तो तो वैश्वीकरण वैश्वीकरण का का अर्थ अर्थ क्या क्या होता होता है? है? पहले पहले ये ये समझना समझना है है इसका इसका अर्थ अर्थ क्या क्या होता होता है। है। तो तो आइए आइए हम हम लोग लोग समझते समझते हैं हैं साधारण साधारण शब्दों शब्दों में में वैश्वीकरण वैश्वीकरण का का अर्थ 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 देश देश की की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को को विश्व विश्व की की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के के साथ साथ एकीकृत एकीकृत करना। करना। इसे इसे ही ही क्या क्या कहलाता कहलाता है? है? वैश्वीकरण वैश्वीकरण कहा कहा जाता जाता है। है। अर्थात अर्थात आप आप ये ये कह कह सकते सकते हैं, हैं, देश देश की की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को को विश्व विश्व अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के के साथ साथ में में जोड़ना जोड़ना भी भी वैश्वीकरण वैश्वीकरण कहलाता कहलाता है। है। क्लियर क्लियर बात बात सबको सबको हो हो गई? गई? मेरी मेरी बात बात क्लियर क्लियर हो हो गई गई सबको? सबको? चलिए, चलिए, लिखते लिखते हैं। हैं। भारतीय भारतीय संदर्भ संदर्भ में में भारतीय भारतीय संदर्भ संदर्भ में में इसका इसका अर्थ अर्थ है है विदेशी विदेशी कंपनियों कंपनियों को भारत भारत की की विभिन्न विभिन्न आर्थिक आर्थिक गतिविधियों गतिविधियों आर्थिक आर्थिक गतिविधियों गतिविधियों में में निवेश निवेश की की अनुमति अनुमति देकर देकर अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था को को विदेशी विदेशी निवेश निवेश के लिए के लिए खोलना खोलना तथा तथा विदेशी विदेशी विनिमय विनिमय नियंत्रण को कम नियंत्रण करना।
इसके साथ साथ भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने की अनुमति देना, आयात निर्यात को उदारीकृत करना आदि शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसे ही वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। यहां लिख सकते हैं इसे ही वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे इतना लग रहा है कि सबको क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि सर बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैश्विक दिशा में या वैश्विक दिशा में भारत ने 1980 के दशक में प्रयास करने में करने प्रारंभ किए थे किंतु वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने तेजी भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 में लागू की गई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप लाए। इसे क्लियर, मुझे लग रहा है कि ना क्लियर हो गया होगा सबको, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो मुझे आप बताएं कि जी सर क्लियर हो चुका है? ठीक है, यह नीतिगत परिवर्तन के बाद आए भुगतान शेष की गंभीर समस्याओं के कारण हुआ। शायद बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साथ साथ मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ नोट बनाते चलिएगा आप लोग। और बेहतर तरीके से अगर नोट पढ़ा लोगे, सरसरी तरीके से एक बार देखोगे अगर बना लोगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा रीजन पूरा सब कुछ पता हो जाएगा और आसानी से लगेगा आप लोगों को समझ में इतना बेहतर आ चुका है कि आखिर किस वजह से क्या क्या परिवर्तन किए गए और आर्थिक नीति के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को बाद में समझ में सारी चीजें आ जाएगी। और भुगतान आगे लिख लेते हैं, यह भुगतान संतुलन की समस्या सोवियत संघ के विघटन के कारण नंबर दूसरा खाड़ी युद्ध के कारण नंबर तीसरा
मुद्रा स्फीति के कारण हुआ। क्लियर। अब आगे लिखिएगा नीचे करके, इस प्रकार से इन तत्वों ने भारत को आर्थिक सुधार के लिए बाध्य किया। क्लियर, ठीक है। और साथ ही अपने ऋण आवश्यकताओं के लिए आईएमएफ, जैसा कि हमने बताया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, तथा या एवं वर्ल्ड बैंक के समक्ष पहुंचे। ठीक है। अगर भुगतान संतुलन किसी भी देश का ज्यादा होगा तो उस भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए किसी भी किसी वहां शक्ति या वहां देशों के साथ क्या करना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है। और भारत ने भी यही किया, क्योंकि भारत एक तरफ आपने देखा होगा कि सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, खाड़ी युद्ध के कारण भी हुआ और मुद्रास्फीति का कारण, इसी सब रीजन से क्या हुआ, भारत का भुगतान संतुलन क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ देश में, अपने ही भारत में अगर कोई घटना होती है तो उससे दूसरे देश पर प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। क्योंकि आयात और निर्यात जो है क्या हो जाते हैं, आयात महंगे हो जाते हैं। ठीक है ना। और निर्यात आप सामान लेना चाहोगे अगर देश में चले तो कोई लेगा नहीं आपका। तो रीजन यही पड़ जाता है कि सोवियत संघ का एक तरफ विघटन हो रहा था, दूसरा खाड़ी युद्ध भी, और तीसरा इसके कारण मुद्रास्फीति का जो प्रभाव देखने को मिला ये बहुत ज्यादा मिला देखने को। इस वजह से भारत का जो भुगतान संतुलन था उसमें समस्या उत्पन्न हो गई थी, और फिर इसीलिए माना जाता है कि आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी और आर्थिक सुधार के लिए भारत को बाध्य होना पड़ा, और साथ ही साथ भारत का जो भुगतान संतुलन था उसके समस्याओं को कम करने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के समक्ष भारत को पहुंचना पड़ा वहां से ऋण लेने के लिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत को विदेशी क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए बाध्य होना पड़ा क्लियर हो गया। ठीक है। और यह परिवर्तन निम्नलिखित ऐसे भी ले सकते हो, यह परिवर्तन निम्नलिखित है, पहला विनिमय दर समावेशन एंड रुपए की परिवर्तनीयता बोलते हैं इसको, परिवर्तनीयता, ये पहला परिवर्तन किया गया। आइए देखते हैं विनिमय दर समायोजन क्या होता है। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते जुलाई 1991 में क्रमागत रूप से दो चरणों में रुपए का
18 से लेकर के 19% क्या किया, अवमूल्यन किया। और मैंने आपको एक्सचेंज रेट में पढ़ाया हूं अवमूल्यन क्या होता है, तो आप वहां से उसको करेक्ट कर लीजिएगा अवमूल्यन। इसके बाद सरकार ने विदेशी विनिमय क्षेत्रों में पूर्ण परिवर्तनीयता की ओर कदम बढ़ाए तथा साथ साथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को धीरे धीरे ठीक है अपनाने का प्रयास किया। यहां तक क्लियर है? ठीक। सरकार ने क्या क्या परिवर्तन किया? 1992-93 में दोहरी विनिमय दर प्रणाली शुरू की, जिसका अर्थ रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता यहां एक हर बाजार या यहां से सकते हैं जहां हर एक बाजार शक्ति पर आधारित थी, वहीं दूसरी तरफ दर आवश्यक वस्तुओं के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित थी। इसे कहा गया था दोहरी विनिमय। ठीक है, एक तरफ हमने आपको बताया था एक तरफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और दूसरी तरफ आरबीआई द्वारा उसका निर्धारण करना, उसके दर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, डेट टू फ्लोटिंग वाला कांसेप्ट ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1933 और 34 तक व्यापार खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया। यवम 19 अगस्त 1994 को संपूर्ण चालू खाते पर पूर्ण को लागू किया गया। अब चालू खाता क्या होता है, मैंने आपको बताया था। देखो, पूर्ण परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो यहां से कोई विदेशी निवेशक अगर मान लो $50 लेकर के आता है और भारत में जब आएगा इंटर करने के निवेश करने के लिए, तो आप ये मान के चलो कि पूरा का पूरा $50 के बराबर उसको रुपया जो एक्सचेंज करना पड़ेगा रुपये डॉलर में।
जितना पैसा लेकर के आया उन्हें पैसे को तुरंत क्या कर सकता हो, एक्सचेंज करा सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही नकारात्मक कभी कभी पड़ जाता है इस रीजन से, क्योंकि मान लो अगर कोई विदेशी शॉर्ट टर्म के लिए आता है और तुरंत मार्केट में पैसा जो है क्या करता है वो लगाता है और अचानक उसको घाटा अगर हो जाए तो वो अपने पैसे निकाल करके तुरंत लेकर वापस चला जा सकता है, क्योंकि फूड परिवर्तन का मतलब था ये बना दिया गया था सरकार द्वारा, ऐसा लागू कर दिया गया था। तो अगर मानव निवेशक लगाएगा और तुरंत निकाल कर लेकर जाए तो भारत के जो बाजार है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो करना था चालू खाते को फूड परिवर्तन को लागू कर दिया गया था, लेकिन इसके साथ साथ वर्तमान में पूंजी खातों पर लागू नहीं है। अब आपको हमने पूंजी खाते बताया था, करेंट अकाउंट भी बताया था, तो ये दोनों अकाउंट आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन पूंजी खाते पर जैसे कोई एफडीआई हो रहा है तो उसमें जो कि ऐसा प्रोसीजर नहीं है, आपको इसमें बहुत टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है, उस टर्म कंडीशन को फॉलो करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को टैक्स भी देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। अगर फूड परिवर्तन अगर इसको बना दोगे तो सरकार को बिना टैक्स दिए हुए वो वापस भाग सकते हैं, कभी भी भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने क्या किया, पूंजी खातों पर फूड परिवर्तन लागू नहीं किया, लेकिन चालू खातों पर उन्होंने क्या किया, फूड परिवर्तन क्या किया, उन्होंने लागू कर दिया। इतनी बात आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करते हैं और क्या किया गया, ठीक है ना।